मसीह में आप सबको सलाम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा आप सबको बरकत दे, खुदा आप सबके साथ हो, खुदा आप सबको खुश रखे। तो मैंने एक लेसन किया था, लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी, बहुत बड़ा गीत है। और खुदा के फजल से वो आनस कमाल ने जो है पूरी दुनिया का उस्ताद मसीही लोगों में गाने बजाने का जिन्हें तरीका था, वर्शिप करने का, क्या बात है इनकी। तो मैंने बताया था राग दरबारी में है वो गीत। कल एक दोस्त ने कमेंट किया था कि जी राग दरबारी नहीं जौनपुरी। अभी मैं आपको पहले राग जौनपुरी बताता हूँ वो कैसे है, और राग दरबारी आप सबको पता है। तो मैंने जो राग दरबारी है, राग जौनपुरी है, राग खट है, राग दरबारी कांदड़ा है, वो किस किस तरह शुरू होता है, इस तरह खुदामंद के फजल से किसी ने भी नहीं बताया होगा, लेकिन मैंने जो सीखा अपने उस्ताद से, पूरे दिल से, पूरी जान से और पूरी निगाह से सीखा है। और राग जौनपुरी कैसे वो देखें पहले। सारे मा पधानी अबरों में सात सुर हैं, ठीक है। तो अभी अगर मैं जौनपुरी में गाऊंगा तो मुझे जौनपुरी में मतलब उजागर करना चाहिए, फिर ये जौनपुरी है, ठीक है। वो अभी मैं आपको जौनपुरी में गा के बताता हूँ ये कैसे आएगा। लकड़ी पे लटका में ऐसे आ रहा है, आप किसी तरीके से भी गा लेंगे, आपको मतलब रो में एक सुर छोड़नी है, वो जो मतलब वर्जी सुर है गा, वो आप छोड़ेंगे तो फिर ये जौनपुरी, जौनपुरी को उजागर करना भी बहुत जरूरी है। जौनपुरी में अभी दरबारी में ये कैसे आ रहा है, वो आपको दरबारी में जो आ रहा है मतलब संपूर्ण संपूर्ण है, अरोह में भी सात सुर हैं, अबरोह में भी सात सुर हैं, तो फिर आप कैसे मतलब इसे जौनपुरी में बता सकते हैं। मैं तो दरबारी में बताऊंगा, अगर दरबारी में है, जौनपुरी में होगा तो फिर मैं जौनपुरी में बताऊंगा। अभी वो मैंने जबूर किया था, रहमत नाल है भरिया होया पाक, वो जौनपुरी में मैंने बताया, जौनपुरी में। तो ये देखें अभी कैसे आ रहा है दरबारी में। लकड़ी पे लटकी देखे हैलेलुया में भी गा आ रहा है, ठीक है। अगर गा ना आए तो फिर होता जी ये जौनपुरी में आपने हमें गलत बता दिया। तो मैं कोशिश है मेरी खुदावंद के फजल से कि मैं किसी को गलत ना बताऊं। अंतरे में भी गा आ रहा है तो फिर यार आपको मैंने व्हाट्सएप नंबर आपके कमेंट पे सेंड किया भाई, अगर आप हो सके तो मुझसे जरूर रब्ता कर लें, फिर मैं आपको मजीद क्लियर कर दूंगा किस किस राग में कौन कौन सा सुर आ रहा है। मतलब आप कोई सा भी राग शुरू करते हैं आपको बताना जरूरी पड़ता है कि भाई ये राग है, और उस राग को फिर आपको सुनाना भी पड़ेगा कि भाई इस तरह है, ठीक है। सारे मा पधानी सानी धा पमा करे जौनपुरी ऐसे, ठीक है, दरबारी ऐसे। सारे गामा पधानी गामा रे गा रे धा सा राग दरबारी।
बारी कांदड़ा ऐसे राग तरपारी कांदड़ा जो है वो नी से शुरू हो रहा है, ठीक है। नी सा नी दा प म ग रे सा।